यूपी के फरुखाबाद में संदिग्ध हालातों में एक महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र के देवराजपुर गांव की है, जहां राममूर्ति नाम की महिला बीती 8 जुलाई से लापता थी। परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद बीती दोपहर गांव के बाहर तालाब में महिला का शव तैरता देखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया और जांच करने पर महिला का चेहरा तेजाब से झुलसा पाया गया और तालाब के किनारे की घास भी तेजाब से झुलसी देखी गई। मृतका के परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही है। वही मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपकी पत्नी कब से गायब थी? सात आठ दिन गए। तो थाने में तहरीर दी थी आपने? थाने दे गया थे। तो क्या काम रहा है, आज इनकी डेड बॉडी मिली है, क्या कहेगी? घर से गई थी क्या? तुम ढूंढते रहे चारों तरफ, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, मेरी चली गई, तुम क्या गए? नहीं तो बता के नहीं कहा जा रही है? नहीं, घर से कुछ नहीं बताया था। तो झगड़ा वगैरह हुआ? झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें दवाई खिलाई, दरिया खिलाई दवाई। क्या बीमार थी पहले? कब से बीमार चल रही थी? हम आए थे 22 तारीख लॉकडाउन हुआ, 23 तारीख आए दोनों लोग दिल्ली। कहाँ रहते थे आप? दिल्ली नोएडा। अब डेड बॉडी बाब उसी की है, उसी लड़की की है। कौन लड़की की है? वो हमारी लड़की है, हमारी भतीजी है, राममूर्ति। क्या नाम है? डेड बॉडी मिली है? राममूर्ति। राममूर्ति, हाँ। तो इसकी शादी कहाँ हुई थी? गजनापुर में। गजनापुर में। पति का क्या नाम है? जवाहरलाल। तो ये कब से गायब थी राममूर्ति? ये आज साहब मंगल की गायब है। मंगल से गायब है? हाँ, हमको साहब इन्होंने नहीं बताया हमें साहब। हमारी लड़की एक और बिबियापुर में है, उसने साहब हमको 2 बजे फोन किया दिन के, तब हम साहब भज के आए। उस दिन से हम साहब भागी रहे और कहीं इधर याद कहीं उधर याद, इन्होंने कहा कि बहू। तो ये आपकी भतीजी हैं? ये हमारी साहब भतीजी है। ये कहाँ रहती थी? यही रहती। अच्छा, यहाँ रहती है? यानी कि शादी करी हमने। ये ग्राम देवराजपुर में एक महिला जो जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, राममूर्ति उर्फ प्रिया, वाइफ ऑफ जोहार, ये 8 तारीख में से घर से गायब थी, जिसकी सूचना इसके परिवार वालों ने थानों पर आकर मौखिक दी थी कि मतलब ये गायब है, जिसको इसके परिवार वाले और मायके वाले दोनों तलाश कर रहे थे। लिखित कोई तहरीर नहीं दी गई थी। आज ये गांव के किनारे एक तालाब में इसकी डेड बॉडी मिली। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।